वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैरिफाइड लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। पहले हम स्टार्टिंग से इस चैप्टर का नाम का मतलब समझेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का भी मतलब समझेंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम नोटेशन समझेंगे। नोटेशन समझने के बाद आपको मैं नोट्स लिखने का अलग से टाइम दूंगा, तभी आपको नोट्स लिखना है, ठीक है? अभी आपको नोट्स नहीं लिखना है, आपको अभी कॉन्सेप्ट समझने में ध्यान देना है। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे होमोजीनियस का मतलब क्या होता है। होमोजीनियस मैंने आपके लिए यहाँ नोट्स तैयार रखा है, लेकिन मैंने आपको होमोजीनियस बताना है। मुझे होमोजीनियस होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं हम। होमोजीनियस मैं आपको एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, उसमें डिफरेंस बताऊंगा आपको होमोजीनियस क्या होता है और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन किसको कहते हैं। तो होमोजीनियस इक्वेशन हम कहते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास 35 डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर है, बीच में प्लस 2 डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन में डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, ठीक, फिर बीच में प्लस 35 डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन में डेल्टा वाई स्क्वायर। ये मान लेते हैं कि ये इज इक्वल टू 0 है। जो भी इक्वेशन इज इक्वल टू में 0 रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है? जैसे ही हमारा पास इसमें डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई प्लस 35 डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब ये वाला जो इक्वेशन है वो क्या कहलाता है, होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा हो गया होमोजीनियस इक्वेशन। और यहाँ जो कांस्टेंट लगा है, यहाँ आपको कांस्टेंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं मिलेगा, आपको यहाँ वेरिएबल ही मिलेगा, मतलब नंबर ही मिलेगा आपको। कुछ नंबर हो गया 35 जिस तरीके से लिखा है यहाँ पास, इसी तरीके का आपको नंबर डिफरेंट मिलेगा। तो यहाँ कांस्टेंट क्या है, इसके कोफिशियंट में कांस्टेंट क्या है, नंबर है, इसलिए इसको बोल देते हैं होमोजीनियस इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशियंट। ठीक है, सेम आप समझते हैं, हम इसी इक्वेशन का एग्जांपल लेके नॉन होमोजीनियस इक्वेशन भी समझते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये 35 डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, फिर बीच में प्लस 2 डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, फिर बीच में प्लस 35 डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन में डेल्टा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लेते हैं e की पावर x प्लस वाई है। ये जो इक्वेशन है इसके इज इक्वल टू में 0 तो नहीं है, इस इक्वेशन के इज इक्वल टू में 0 है कि नहीं है। यहाँ पास क्या है, x और y है, मतलब z जो है हमारा, यहाँ पास हमारा z किसके ऊपर डिपेंड करता है, x और y के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हो गया इसको हम कहते हैं नॉन होमोजीनियस विथ कॉन्स्टेंट कोफिशियंट। कॉन्स्टेंट क्यों, कि इसके सामने कॉन्स्टेंट लगा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन होमोजीनियस। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है। और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट मैंने आपको बता दिया क्यों कहते हैं इसको। तो ये हमारा हो गया होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि होमोजीनियस इक्वेशन किसको कहते हैं और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन किसको कहते हैं। पहले हम नोटेशन समझ लेते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। हमने चैप्टर का नाम समझ लिया कि किस तरीके से चैप्टर का नाम क्यों ऐसा दिया गया है। हमने डिफरेंस समझ लिया होमोजीनियस क्या होता है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन किसको कहते हैं। अब बारी आता है नोट्स का। तो नोटेशन आपको छोटा सा याद रखना है, यहाँ बस डी इज कैपिटल डी इज इक्वल टू यहाँ होगा डेल्टा बाय डेल्टा एक्स, ये आपको ध्यान रखना है। कैपिटल डी डैश का इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा बाय डेल्टा वाई, कैपिटल डी का स्क्वायर मतलब इसी का स्क्वायर हो गया, यहाँ का स्क्वायर लगा दो गया तो डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर हो गया। कैपिटल डी डैश का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू में डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा वाई का स्क्वायर। फिर ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि यहाँ बस डी और डी डैश आ रहा है, इज इक्वल टू में क्या होगा, डी डैश का मतलब होता है डेल्टा वाई डेल्टा वाई, वाई तो पहले लिखना है हमको, फिर ये बाद में इसको डेल्टा एक्स को बाद में लिखना है। ठीक है, यहाँ क्या लिखे हैं, डी डैश और डी, डी डैश मतलब वाई पहले आएगा फिर डी बाद में आएगा, मतलब डेल्टा एक्स बाद में आएगा। ठीक है, अब सेवेंथ में देखो ध्यान से, यहाँ डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर का मतलब क्या समझते हैं हम यहाँ से, कि डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक हो गया, फिर मल्टीप्लाई में क्या दिया, डी का डैश, डी का डैश दिया है मल्टीप्लाई में, तब क्या होगा,
यहाँ डेल्टा वाई डेल्टा वाई डेल्टा वाई डेल्टा वाई होता है डी डैश का मतलब। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, ये पहले है फिर बाद में, ठीक है। तो ये नोटेशन में आपको ये दोनों याद रखना है, फिर इससे आप सभी निकाल लोगे, ठीक है। तो ये हमारा नोटेशन हो गया, इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये नोटेशन को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब हम समझते हैं सॉल्विंग रूल क्या होता है, सॉल्विंग रूल का स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, गिवन क्वेश्चन, आपके पास गिवन क्वेश्चन रहेगा, मान लेते हैं यही क्वेश्चन है आपके पास, ये 35 डेल्टा जेड बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई प्लस 35 डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वेश्चन दिए है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी का स्क्वायर लिख सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, डी का स्क्वायर लिख दिया इसको मैं, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको लिखते हैं किस तरीके से, 35 डी का स्क्वायर ब्रैकेट में जेड, ठीक है, प्लस 2, यहाँ x पहले है मतलब क्या आएगा d, ठीक है, फिर यहाँ d डैश आएगा क्यों y है यहाँ बस, तो d डैश हो जाएगा, फिर z, फिर सेम चीज़ 35 d डैश का स्क्वायर, यहाँ बस क्या है डेल्टा स्क्वायर z अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर, जो कि यहाँ बस सेम है, ठीक है। तो मैंने वहाँ लिख दिया 35 d डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू में 0, तो ये मान लेते हैं गिवन इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, D को सेकेंड स्टेप क्या कहता है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है सेकेंड स्टेप में, कि हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन मानना है, मतलब D जो है इज इक्वल टू m होगा, D डैश को इज इक्वल टू 1 मानना है, हमेशा ये आपको याद होना चाहिए, हमेशा जब भी आपका ये होमोजेनियस वाला चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो आपको कैपिटल D को क्या मानना है, m मानना है, और D डैश को क्या मानना है, 1 मानना है, ये आपको याद होना चाहिए, सेकेंड पॉइंट है हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो ये क्या हो जाएगा, 35 m का स्क्वायर प्लस 2, d का क्या होता है m और d डैश का 1, फिर प्लस 35 d डैश का क्या हो गया हमारा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन क्या फॉर्म हो गया हमारा, 35m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 35 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके से हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा, फिर हमको कैसे भी करके उसको मिडिल टर्म लगाना है या कोई और तरीके से जैसा भी होगा, हमको इसमें क्या निकालना है, m का वैल्यू निकालना है। फिर क्या है हमारा थर्ड पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड एज्यूम, दो वैल्यू आएगा यहाँ से, अगर यहाँ m क्यूब रहेगा तो 3 वैल्यू आएगा, अगर m की पावर 4 है तो 4 वैल्यू आएगा। तो यहाँ पास m स्क्वायर है, दो वैल्यू आया, m1 m2 मान लेते हैं, लेकिन जब m1 का वैल्यू आएगा, मान लेते हैं m1 का वैल्यू 1 आया, ठीक है, मानते हैं, मान लो कि m1 का वैल्यू 1 आया, तो जब m1 का वैल्यू 1 आया तो अपॉन में क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, तो ऊपर वाला a1 हो जाएगा और नीचे वाला b1, वही बताया मैंने, m1 का वैल्यू ऊपर वाले को a1 मानना है और नीचे वाले को b1 मानना है, सेम m2 के लिए ऊपर वाले को a2 और नीचे वाले को b2, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, छोटा सा फॉर्मूला, ये आखिरी आपको आंसर जो लिखना है वो z के फॉर्म में ही लिखाएगा इसमें, ठीक है, इसमें आपको z के फॉर्म में लिखना है। तो z का फॉर्मूला क्या कहता है, ये भी आपको याद होना चाहिए, चारों स्टेप आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। पहला एक्सरसाइज है, ठीक है, तो z इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, फाई वन बी वन वाई प्लस ए वन एक्स प्लस फाई टू बी टू वाई प्लस ए टू एक्स डैश डैश डैश, कितने टाइम्स होगा, r टाइम्स, ये n टाइम्स बोल सकते हो, n टाइम्स, जितने नंबर ऑफ, मतलब कि जितना m1 का वैल्यू आएगा उतना लंबा चले जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ हमारा दो वैल्यू है, तो यहाँ फाई वन फाई टू का आंसर आएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, उसमें अप्लाई करके देखेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या हो गया फॉर्मूला, फाई वन ब्रैकेट में बी वन वाई प्लस ए वन एक्स प्लस फाई टू बी टू वाई ए टू एक्स, यहाँ हमको मालूम है ए वन बी वन ए टू बी टू, इस तरीके से सॉल्व करना। ये हमारा स्टेप्स हो गया, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको दो मिनट देता हूँ, आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. अब हमारे पास इसका पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप, लेट, इसको हम जानते हैं क्या बोलते हैं इसको, हम डी इज इक्वल टू डेल्टा बाय डेल्टा एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर एंड डी डैश
ठीक है, इज इक्वल टू इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा वाई का स्क्वायर, ये मान लेते हैं। अब क्या होगा देखो, डी स्क्वायर लेट हमने मान लिया, डी का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर एक्स अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर एंड डी डैश इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, और इसमें डायरेक्ट पुट करते हैं, डी का स्क्वायर जेड, यहाँ जेड है ठीक है, जेड फिर माइनस डी डैश का स्क्वायर जेड इज इक्वल टू जीरो। अब जेड कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, डी का स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज जेड बाहर इज इक्वल टू जीरो। और मैंने बताया था आपको द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ गिवन क्वेश्चन या इक्वेशन ठीक है, इससे क्या होगा, ये डी स्क्वायर जगह हम क्या पुट करेंगे, एम का स्क्वायर, तो एम स्क्वायर माइनस और डी डैश की जगह क्या पुट करते हैं वन। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया था, उसमें डी की जगह एम का स्क्वायर पुट करना है माइनस डी डैश की जगह वन का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से एम का वैल्यू क्या आ जाएगा, एम का वैल्यू आएगा प्लस माइनस वन ठीक है। तो यहां से एम वन का वैल्यू क्या आ गया, प्लस वन मान लेते हैं, और एम टू का वैल्यू माइनस वन। तो ऊपर वाला ए वन हो जाएगा, नीचे वाला बी वन, नीचे कुछ नहीं मतलब वन, तो ये ए टू बी टू ठीक है। द रिक्वायर्ड जनरल इक्वेशन इज, हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, जेड इज इक्वल टू फाइ वन ब्रैकेट में बी बी वन वाई प्लस ए वन एक्स प्लस फाइ टू बी टू वाई प्लस ए टू एक्स। तो यहाँ ए वन का वैल्यू क्या है, वन ठीक है, और बी वन का वैल्यू भी वन है, तो यहाँ से जेड का वैल्यू क्या आएगा, फाइ वन वाई प्लस एक्स, फिर प्लस में फाइ टू ठीक है। यहाँ बी टू का वैल्यू क्या दिया हमारे पास, वन है बी टू का वैल्यू, तो वाई, और ए टू का वैल्यू माइनस वन, तो वाई माइनस एक्स। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, आर, आर मतलब हमको मालूम है, आर का मतलब क्या होता है हम जानते हैं, आर इज इक्वल टू होता है डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, हमने पिछले चैप्टर में और पिछले लेक्चर में देखा है ठीक है। फिर एस का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, यहाँ से हमको यहाँ एस का वैल्यू हमको मालूम है और टी का वैल्यू भी हमको मालूम है। टी का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा वाई का स्क्वायर ठीक है। तो अब इसमें पुट करते हैं वैल्यू में ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, फिर बीच में माइनस थ्री ए डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन में डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, फिर बीच में प्लस टू ए स्क्वायर टी की जगह डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो ठीक है, इज इक्वल टू जीरो आ गया। हम जानते हैं लेट डी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, फिर डी डैश इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर अपॉन में डेल्टा वाई का स्क्वायर, एंड डी और डी डैश भी जानते हैं हम क्या होता है, डेल्टा स्क्वायर अपॉन में डेल्टा एक्स पहले आएगा क्योंकि डी है यहाँ पास, फिर डेल्टा वाई, तो इसकी जगह पुट करते हैं वैल्यू, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा डी का स्क्वायर जेड, फिर माइनस थ्री ए डी डी डैश जेड, फिर प्लस टू ए डी डैश का स्क्वायर और जेड इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से जेड कॉमन लेंगे
तो डी स्क्वायर माइनस थ्री ए कैपिटल डी डैश प्लस टू ए का स्क्वायर, ठीक है, और डी का डैश का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के बाहर जेड कॉमन इज इक्वल टू जीरो। अब मैंने आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बताया था, द ऑक्सिलरी इक्वेशन डी की जगह क्या पुट करना है हमको, एम एंड डी डैश की जगह वन, ठीक है। तो यहां पुट करते हैं तो यहां क्या हो जाएगा, एम का स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस थ्री ए एम, देखो डी यहाँ पर है, इसके जगह क्या आएगा, एम आएगा और डी डैश की जगह वन, ठीक है। तो वन लिखते हैं यहाँ पास, फिर प्लस टू ए डी डैश का स्क्वायर, तो डैश की जगह तो वन आएगा इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करते हैं, एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू ए स्क्वायर है यहाँ पास, टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, टू, तो इसको तोड़ सकते हैं हम किस फॉर्म में, एम स्क्वायर माइनस टू ए एम, ठीक है, फिर माइनस ए एम प्लस टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एम कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो एम माइनस टू ए बचेगा यहाँ पास, फिर बीच में ए कॉमन, तो यहाँ बचेगा एम माइनस टू ए इज इक्वल टू जीरो, फिर यहाँ और सिंप्लीफाई करने पे एम माइनस ए, तो एम माइनस ए ब्रैकेट में एम माइनस टू ए इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एम का वैल्यू आता है एम वन इज इक्वल टू ए, मान लेते हैं एम वन, और एम टू इज इक्वल टू टू ए, तो ऊपर वाला क्या होगा ए वन, नीचे वाला बी वन, ए टू बी टू। अब यहाँ लिखना है आपको, तो जनरल रिक्वायर्ड, द जनरल रिक्वायर्ड इक्वेशन, द जनरल रिक्वायर्ड ऑफ गिवन इक्वेशन इज हमारा इक्वेशन क्या होता है, जेड इज इक्वल टू बी वन वाई, सामने फाई वन बी वन वाई प्लस ए वन एक्स प्लस फाई टू बी टू वाई प्लस ए टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से जेड का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा फाइनल आंसर, जेड इज इक्वल टू फाई वन, बी वन क्या है यहाँ पास वन, क्योंकि एम का वैल्यू तो ए आया है, तो बी वन हो जाएगा वन, तो यहाँ हो जाएगा वाई प्लस ए वन क्या है ए एक्स प्लस फाई टू, ब्रैकेट में बी टू क्या है यहाँ पास वन, तो वाई प्लस टू ए, ए टू क्या है यहाँ पास टू ए, यहाँ एक्स, ठीक है। तो ये हमारा जेड का वैल्यू हो गया सेकेंड क्वेश्चन का। तो अभी तक हमने दो क्वेश्चन में अप्लाई करना सीख लिया, अब लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन। इस थर्ड क्वेश्चन में भी हम सीख लेते हैं इस मेथड को अच्छे तरीके से, किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। डेल्टा की पावर फोर जेड अपॉन डेल्टा एक्स की पावर फोर माइनस टू डेल्टा की पावर फोर जेड अपॉन डेल्टा एक्स क्यूब डेल्टा वाई प्लस टू डेल्टा की पावर फोर जेड अपॉन डेल्टा वाई क्यूब डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा की पावर फोर जेड अपॉन डेल्टा वाई की पावर फोर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको अब सॉल्व कैसे करना है वो समझते हैं। लेट d इज इक्वल टू डेल्टा बाय डेल्टा x, अगर मैं यहाँ स्क्वायर करता हूँ तो इधर भी स्क्वायर होता है, क्यूब करता हूँ तो इधर भी क्यूब होता है, ठीक। तो अगर मैं इधर पावर फोर करूँगा तो इधर भी फोर होगा और इधर भी फोर होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। और हम d डैश को क्या बोलते हैं, डेल्टा बाय डेल्टा y, लेकिन अगर मैं पावर फोर लगाऊंगा तो यहाँ भी पावर फोर आएगा, ठीक है। अब इसका देखते हैं, यहाँ भी डेल्टा की पावर फोर जेड अपॉन डेल्टा एक्स क्यूब डेल्टा वाई है, तो कैसे करेंगे इसमें, यहाँ एक्स क्यूब कितने बार है, मतलब डी की पावर क्यूब, फिर वाई कितने बार है, एक बार, तो डी डैश, ठीक।
ये क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा की पावर 4z अपॉन में डेल्टा x क्यूब डेल्टा y। अब सेम चीज़ यहाँ पर डेल्टा की पावर 4z है तो यहाँ y कितने बार है, 3 बार, और x कितने बार है, 1 बार। तो डी का डी सिंगल और डी डैश का क्यूब इज इक्वल टू डेल्टा की पावर 4z अपॉन डेल्टा y क्यूब और डेल्टा x। ठीक है, ये हो गया। अब इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या हो गया, d का पावर 4z फिर माइनस 2 d का पावर क्यूब और d डैश, ठीक है, फिर ब्रैकेट में z, फिर प्लस 2 d, एक x है और y कितने बार, 3 बार, d डैश की पावर क्यूब, ठीक है, और z, फिर माइनस यहाँ y के पावर में 4, फिर d डैश की पावर में 4, फिर d की पावर 4, z इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ z कॉमन लेते हैं तो d की पावर 4 माइनस 2 d की पावर क्यूब d डैश प्लस 2 d की पावर क्यूब डैश में माइनस d डैश की पावर 4 ब्रैकेट में z इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या है हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन, हम d की जगह वैल्यू क्या पुट करते हैं, m, और d डैश की जगह 1, ये आपको याद होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा m की पावर 4, फिर माइनस यहाँ d कितने बार है, 3 बार, तो m की पावर क्यूब और d डैश क्या है, 1, तो नहीं लिखेंगे उसको, मल्टीप्लाई 1 होगा, प्लस यहाँ d डैश कितने बार है, क्यूब 3 बार है, मतलब 1 का क्यूब 1 होगा और d का m 2m, फिर माइनस में 1 की पावर 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे होगा ये सिंप्लीफाई, यहाँ पावर 4 है, इसको अरेंज करते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं सिंप्लीफाई करने का, फिर कैसे होगा ये m की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, इसको और इसको साथ में ला लिए और 2 की पावर m क्यूब प्लस इसको साथ में ले आ लेते हैं, माइनस 2 की पावर m क्यूब प्लस 2m इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखो क्या होगा, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, एम स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और एम स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कैसे हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाया हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा एम का स्क्वायर माइनस 1 1 का स्क्वायर, फिर एम का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ 2m कॉमन लेते हैं, जो दिख रहा है वही करेंगे, सिंपल जो होते जा रहा है उसको करते जाते हैं, ठीक है, यहाँ से 2m कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पास बचेगा अंदर में m स्क्वायर फिर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m 2, यहाँ भी m स्क्वायर 1 है, यहाँ भी m स्क्वायर माइनस 1 है, तो दोनों कॉमन लेते हैं यहाँ पास, तो क्या होगा ये m स्क्वायर माइनस 1 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास, m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m, तो ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको, m स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला ये है, m माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो यहां से m का वैल्यू कितना आ रहा है, अगर इसको सॉल्व करेंगे m स्क्वायर 1 तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है, और इसको करेंगे तो क्या होगा m माइनस 1, ठीक है, m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां भी m का वैल्यू 2 आ गया, तो यहां इसको अरेंज करते हैं, हमारा m1 का वैल्यू भी 1 है, m2 का वैल्यू माइनस 1, m3 का वैल्यू 1, m4 का वैल्यू भी 1, यहाँ आप कोई भी ले सकते हो। अब ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 सबके, तो ये a1 बाय b1, a2 बाय b2, a3 बाय b3, a4 बाय a4, क्या आएगा, z इज इक्वल टू 5 1 b1y plus a1x plus phi2 b2y plus a2x plus phi3 b3y plus
ए थ्री एक्स प्लस वाई फोर में क्या आएगा, बी फोर वाई प्लस ए फोर एक्स। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ वैल्यू पुट अप करते हैं, क्या आएगा यहाँ से, z इज इक्वल टू फाइव वन, यहाँ b1 का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ आ जाएगा y, a1 का v1, तो y प्लस एक्स पहला आ गया, प्लस फाइव टू, बी टू क्या है यहाँ पास 1 मतलब y, a2 क्या है माइनस वन तो माइनस एक्स, प्लस फाइव थ्री क्या है यहाँ पास, फाइव थ्री में ये बी थ्री क्या है यहाँ पास 1 मतलब y, प्लस ए थ्री बी वन तो x, फिर प्लस फाइव फोर ब्रैकेट में क्या आएगा यहाँ पास, a की पावर 4 क्या है 1 और b की पावर 4 भी 1 तो x। ठीक है, तो ये हमारा z का वैल्यू है, तो फाइनल आंसर क्या है यहाँ, अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ लिखता हूँ एक बार, z इज इक्वल टू फाइव वन वाई प्लस एक्स प्लस फाइव टू वाई माइनस एक्स प्लस फाइव थ्री वाई प्लस एक्स प्लस फाइव फोर वाई प्लस एक्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वेरी इजी है, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व किया मैंने आपको बताया है, पूरे स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको और प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन का तो आप प्लीज कमेंट करिए नीचे कि आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।